जिन लोगों का होम लोन कई सालों से चल रहा है उनके सामने कई सारे सिनेरियोज आएंगे, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने पर क्या मुझे ईएमआई कम करवानी चाहिए या टेन्योर बढ़वाना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ लमसम पैसा आ जाए क्या मुझे उससे अपने होम लोन की प्री पेमेंट करनी चाहिए या फिर उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मुझे अपना लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहिए जहां मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और सबसे कॉमन आने वाला सवाल, क्या मुझे अपना होम लोन प्री पे करना चाहिए या उसे कंटिन्यू करना चाहिए। इन सब सिनेरियोज़ को हम डिटेल में समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है। इस पर मैं पूरी वीडियो सीरीज़ बनाने वाला हूँ। आपने मेरा पिछला वीडियो शायद देखा होगा जहाँ मैंने बात करी थी उन लोगों के बारे में जो होम लोन लेने वाले हैं, तो उन्हें क्या क्या कंसिडरेशन करने चाहिए, उनके लिए क्या बेस्ट प्लान है, क्या बैकअप प्लान है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले सिनेरियो पे। अगर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है तो क्या हमें अपनी ईएमआई कम करानी चाहिए या फिर टेन्योर बढ़वाना चाहिए। सो जानने के लिए स्टे विद मी। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कृष्ण एंड आई वेलकम यू टू फायर इन इंडिया। हमारा चैनल आपको हेल्प करेगा कि आप इंडिया में कैसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। यही है फायर, FIRE, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि होम लोन ईएमआई और टेन्योर कैसे तय होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि वो हमें मदद करेगा आगे के सिनेरियोस समझने में, कैलकुलेशन समझने में, जो मैं आज अपने वीडियोस में समझाने वाला हूँ। और लास्ट में मैंने रखा है हमेशा की तरह आपके लिए एक मैजिक फॉर्मूला। सो पहले बेसिक समझ लीजिए और फिर हम समझेंगे उस मैजिक को। तो अब आपको ले चलता हूँ अपनी एक्सेल फाइल में। एक्सेल में काम करना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक्सेल इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ माय फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक्सेल में मैंने आपके लिए कुछ कैलकुलेशंस बनाए हैं, उन्हें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए एक्सेल में चलते हैं। तो इस एक्सेल वर्कबुक में मैंने कई सारी शीट्स बनाई हैं। सबसे पहले देखते हैं रेगुलर ईएमआई वाली शीट। तो ये शीट आप आराम से एक्सेल में खुद बना सकते हैं, टेम्पलेट अवेलेबल है एक्सेल में। जब आप सर्च करेंगे लोन एमोर्टाइजेशन, आपको ये शीट मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको टॉप में डालना होता है आपका लोन अमाउंट, आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका लोन पीरियड साल में, और कितनी ईएमआई जाएंगी पर साल, यानी कि 12 ईएमआईज, और आपकी लोन की स्टार्ट डेट, ताकि आप उसके थ्रू जान सकें आपका लोन कब एंड होगा और कब कब आपकी ईएमआईज पड़ेंगी। राइट हैंड साइड में आप अपनी ईएमआई डाल सकते हैं यहाँ पे, और ये अपने आप कैलकुलेट होकर आएगा स्केड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितनी आपकी टोटल पेमेंट्स होंगी इस ईएमआई, इस टेन्योर, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट और इस लोन अमाउंट पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अपने आप ये टेबल बन के आपके पास आ जाएगा। तो एक बहुत सिंपल टेबल है, पेमेंट नंबर है यहाँ पे, मतलब जो आप ईएमआई पे करेंगे, ईएमआई नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आपकी पेमेंट डेट, बिगिनिंग बैलेंस जो शुरू में आपका ओवरऑल बैलेंस होगा प्रिंसिपल, सो ऑफकोर्स जितना आपने लोन लिया वो, इस केस में 25 लाख। तो एक्चुअली ये एग्जांपल मैंने अपने होम लोन से लिया है ताकि यू नो मैं आपको रियल एग्जांपल से समझा सकूं कि क्या फंडे हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो फिर से वापस आता हूँ एक्सेल शीट पे। बिगिनिंग बैलेंस यानी कि आपका होम लोन की शुरुआत में कितना बैलेंस है प्रिंसिपल। आपकी ईएमआई अमाउंट यहाँ आप डाल सकते हैं, पर मंथ ईएमआई जो है, एक्स्ट्रा पेमेंट अगर आप बीच में कभी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं उसके लिए एक कॉलम है, हम आज इस फॉर्मूले में इसे नहीं यूज़ करेंगे। टोटल पेमेंट यानी कि टोटल ईएमआई जो आप पे कर रहे हैं उस महीने, तो इसमें से कितना प्रिंसिपल कंपोनेंट है, कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट है, आप फॉर्मूले देख सकते हैं ऊपर दिखा रहा है ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो बिगिनिंग बैलेंस जो भी है आपका, और इंटरेस्ट रेट जो कि लास्ट कॉलम में है, उसके हिसाब से आपकी ईएमआई कितनी है और उसका इंटरेस्ट कितना है। एंडिंग बैलेंस, तो ये ईएमआई पे करने के बाद आपका कितना बैलेंस बच जाएगा। ऑफकोर्स ये 25 लाख में से इतना प्रिंसिपल माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया है। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, अभी तक आपने इस ईएमआई नंबर पे कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, यानी कि ईएमआई नंबर 1 पे के बाद इतना इंटरेस्ट, 2 के बाद इतना इंटरेस्ट, तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा। लास्ट कॉलम में जैसे कि मैंने बताया आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको ये पूरा टेबल अगर आप नीचे जाएं, इसके एंड में
आप देख सकते हैं टोटल 180 EMIs, और ये लोन ख़त्म होता 15 नवंबर 2029, बिकॉज मेरा लोन खुद का स्टार्ट हुआ था 15 अक्टूबर 2014 में, तो 15 साल बाद ये ख़त्म हो जाता। तो ये हो गया रेगुलर EMI, जहां हम कंसिडर कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द होम लोन टेन्योर चेंज नहीं हो रहा है। तो होता क्या है, बैंक्स में क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते और बढ़ते रहते हैं। अभी लेटेस्ट सिनेरियो यही है कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते जा रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं और काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो हम अब देखते हैं कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है उस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अपनी EMI रिड्यूस करवानी चाहिए, यानी कि EMI का पर मंथ अमाउंट कम करवाना चाहिए, या फिर टेन्योर को कम करवाना चाहिए। शुरू में मैंने शायद ये बोला कि टेन्योर कम कराने का, EMI कम कराइए या फिर टेन्योर कम कराइए, तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है आपके लिए फिनेंशियली। तो पहले कैलकुलेशन देखते हैं, अगर हम EMI को कम कराएं तो क्या होता है। तो इस टेबल में आप देखेंगे वही सेम टेबल है जो हमने पिछली शीट में देखा। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कॉलम्स डाल दिए हैं लास्ट में, न्यू इंटरेस्ट। तो मैंने इसमें क्या अजम्पशन किया है, होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, जाके थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ जाके, क्या एक्चुअली मेरा खुद का होम लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज हुआ था। कुछ कुछ चेंजेस बीच में आए थे जो ऑटोमेटिक थे, लेकिन यहाँ पे बैंक ने मुझे एक बड़ा चेंज ऑफर किया था, 10.15% से 8.5% नीचे आ गया था। तो इस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन थे, मैंने कैसे डिसीजन लिया, यही वो आज के वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो न्यू इंटरेस्ट अगर 8.5% है, हमारी EMI कितनी बची है उस वक्त, 149, बिकॉज अगर आप लेफ्ट में देखें ये EMI नंबर 31 हम पे कर चुके हैं, 32 के टाइम पर हमारे पास ये ऑफर आया है, तो 149, तो आउट ऑफ 180 149 EMIs अभी भी बची है। तो फॉर्मूले से हम अगर कैलकुलेट करें, ये नया रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये नया टेन्योर और जो बैलेंस है जो कि आप देख सकते हैं कॉलम नंबर सी में, उसके हिसाब से हमारी नई EMI आती है 24,932 रुपये, पहले थी 27,095 रुपये, यानी कि हमारी अब सेविंग हो रही है मंथली 2,163 रुपये। ग्रेट सेविंग। तो इस तरह अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे नहीं घटे, ऑफकोर्स जिस तरह से सिनेरियो अभी रिसेंटली हुआ है आपको नए नए रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते, लेकिन फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम ये मानेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे घटा, लेकिन उसके बाद नहीं घटा थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ योर होम लोन। इससे हमें कैलकुलेशन करना और समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी सेविंग्स होती रही, तो सीधा नीचे चलते हैं बॉटम में, अब क्योंकि आपने EMI घटवाई थी, टेन्योर नहीं घटवाया था, तो अभी वो 15 साल पूरे टेन्योर होने पर आपका होम लोन चुकता होगा, लेकिन बिकॉज हमने EMI घटाई थी और मंथली EMI में हमारी सेविंग हो रही थी, तो टोटल सेविंग जब हमारा टेन्योर ख़त्म होगा हो जाएंगी 322,350, जब हमारा होम लोन का टेन्योर ख़त्म होगा। तो ये था जब EMI कम होती है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं जब टेन्योर कम होता है। अगेन सेम टेबल, लेकिन लास्ट की कॉलम मैंने चेंज कर दिए हैं, सिर्फ रिड्यूस टेन्योर रखा है। तो सेम टाइम पे 8.5% हमें ऑफर हुआ, जबकि 32 नंबर EMI पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में रिड्यूस टेन्योर, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें 8.5% यहाँ से चेंज हो जाए, आपकी EMI सेम रहेगी, आपने EMI में कोई चेंज नहीं कराया है, तो आप देख सकते हैं ये टेन्योर ख़त्म होगा 161 EMIs के बाद। ऑफकोर्स मंथली सेविंग कुछ नहीं है हमारी, क्योंकि हमने EMI कम नहीं कराई है, लेकिन अब टेन्योर कम हो गया है। अब हम समझते हैं कि हमने किस ऑप्शन में कितना सेव किया और कौन सा ऑप्शन बेहतर है, EMI रिड्यूस कराना या फिर टेन्योर रिड्यूस कराना। तो दोस्तों आप देखते हैं कंपैरिजन तीनों सिनेरियो में। पहला सिनेरियो रेगुलर, जहां हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ ही नहीं थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द होम लोन। सेकेंड सिनेरियो रिड्यूस EMI, जहां हमने अपनी EMI रिड्यूस करवा ली थी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। और तीसरा सिनेरियो रिड्यूस टेन्योर, जब हमने अपना टेन्योर कम करा लिया था। तो सबसे पहले रेगुलर सिनेरियो के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। होम लोन का अमाउंट 25 लाख, EMI 27,095, टेन्योर 15 साल, टोटल इंटरेस्ट पेड 23,70,000
72,173 जो कि आप यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे, और मंथली सेविंग कुछ नहीं क्योंकि हम इसे किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे भी कुछ सेविंग नहीं, ये अगले दो सिनेरियोज में हम देखेंगे क्या होता है। तो रिड्यूस ईएमआई, हमने अपनी ईएमआई रिड्यूस करवा ली थी और वो थी 24,932 रुपये। टेन्योर सेम रहा था 15 साल क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया था, हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। मंथली सेविंग जो भी हमारा ईएमआई ओरिजिनल ईएमआई माइनस द न्यू ईएमआई अमाउंट था, वो टोटल सेविंग जो हमने थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ होम लोन करी वो है 322,350। और इंटरेस्ट पे हमने कितनी सेविंग करी वो सिंपली हम रेगुलर से माइनस कर देते हैं इस वाले सिनेरियो की इंटरेस्ट पेड, तो हमें मिल जाते हैं 322,000 टोटल सेविंग। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 644,000। अब देखते हैं तीसरा सिनेरियो जहां हमने टेन्योर कम कराया है। ईएमआई सेम रहती है लेकिन हमारा टेन्योर कम हो जाता है 161 ईएमआई टोटल, यानी कि लगभग 13.4 ईयर्स। इंटरेस्ट पेड 17,99,000, ऑलमोस्ट 18 लाख। मंथली सेविंग कुछ नहीं क्योंकि हमारी ईएमआई सेम रही, लेकिन हमने इंटरेस्ट में कितना सेव किया वो यहाँ से माइनस करके पता चलता है 577,000। तो टोटल सेविंग भी है 577,000। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें ऐसा लग रहा है वाओ, रिड्यूस ईएमआई एंड यू आर सेट, यानी कि ईएमआई रिड्यूस करना इज़ द बेस्ट बेट। बट अब देखते हैं एक चीज़ जो हमने अभी तक नहीं चेक करी वो है, आइए नीचे आते हैं, हमने टेन्योर कितना सेव किया पूरे 19 मंथ्स, यानी कि इन 19 मंथ्स में हमें कोई ईएमआई नहीं देनी है। तो अगर हम रेगुलर वही 27,095 और ईएमआई देते 19 मंथ्स के लिए तो वो टोटल हो जाता 514,000, यानी कि ये भी हमारी सेविंग है टेन्योर कम कराने की वजह से। इसकी वजह से टोटल सेविंग टेन्योर कम कराने पे हो जाती है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 10,92,000। तो अगर आप इसे कंपेयर करें इससे तो आप देख सकते हैं कौन सा प्लान अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि ये प्लान इसलिए अच्छा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ था काफ़ी हद तक, 10.15 से 8.5 आना काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज था। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये सिनेरियो सेम रहेगा या फिर हमारी सेविंग्स तभी भी रहेंगी जब इतना ज़्यादा चेंज ना हो, से 1% चेंज ही हो, उसके लिए मैंने फिर से यही इन सब फॉर्मूलाज को यहाँ लगाया है, रिड्यूस ईएमआई 2, रिड्यूस टेन्योर 2। तो सीधा चलते हैं कंपैरिजन में, ये एक्सेल फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप यहाँ वहाँ से डाउनलोड करके इसे चेक कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन की गई है। सो फॉर द सेक ऑफ टाइम लेट्स गो इनटू कंपैरिजन नंबर 2। पहला हम देख चुके हैं ऑलरेडी ऊपर जो है नंबर 2 में, जहाँ चेंज हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.15 से 9.15, यानी कि 1% का रिडक्शन। तो आप सारे फॉर्मूलाज देखें, सीधा मैं आता हूँ टोटल सेविंग्स पे। जब रिड्यूस ईएमआई कराया है तो 3,92,000, और जब टेन्योर रिड्यूस कराया है तो 3,48,000। लेकिन अगेन जब टेन्योर रिड्यूस कराते हैं इस सिनेरियो में हमारे पास 13 मंथ्स बच गए, तो वही ईएमआई अगर हम 13 मंथ्स तक और पे करते तो 3,52,000 और देना पड़ता, यानी कि हमारी टोटल सेविंग है 7,00,000। तो आप फिर से इसे कंपेयर कीजिए 7,00,000 और यहाँ 4,00,000, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईएमआई रिड्यूस कराना अच्छा है या फिर टेन्योर रिड्यूस कराना। तो दोस्तों आपने देखा कि टेन्योर रिड्यूस कराने से हमारी कितनी ह्यूज सेविंग होती है, साथ ही हमने ये भी देखा कि टेन्योर रिड्यूस कराने से हमारा होम लोन जल्दी पे हो जाता है, यानी कि पीस ऑफ माइंड जल्दी आ जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ अपने उस मैजिक फॉर्मूले की जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप उसे यूज़ करें और देखें कि आपका होम लोन में और एक बड़ा डिफरेंस कैसे आता है। तो चलिए फिर से चलते हैं एक्सेल की ओर। तो इसमें आप देखेंगे मैजिक ईएमआई प्लान। तो मेरा क्या सजेशन है, सबसे पहले मैंने वही टेबल बनाया है जो आपने पहले देखा था, लेकिन लास्ट के मैंने 2 कॉलम ऐड किए हैं, इनक्रीज इन ईएमआई एंड न्यू ईएमआई। सो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ हर किसी को जो भी होम लोन लेता है, क्योंकि हमारी इनकम लगभग 5-10% तो हर साल बढ़ी जाती है, लाइक नॉट जस्ट इंडिविजुअल इनकम, फैमिली इनकम या कहीं और से कोई इनकम बढ़ जाए या फिर कहीं कभी बोनस आए, तो ऑन एन एवरेज 5% या उससे थोड़ा ज़्यादा तो बढ़ ही जाती है।
अगर कम पड़ती है तो आप इस अमाउंट को कम कर सकते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 5%। तो मेरा क्या सजेशन है, हर एक साल बाद आप अपनी ईएमआई के अमाउंट को कम से कम 5% से ज़रूर बढ़ा दें। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने डाला है 5%, यानी कि ईएमआई 5% बढ़ने के बाद हो जाएगी 27,095 से 28,450। ये नई ईएमआई मैंने यहाँ लगा दी है। अब नीचे चलें तो जब 24 महीने हो जाएंगे तो हम फिर से वही करेंगे, 5% और बढ़ा देंगे, जो कि आप यहाँ देखेंगे अब हो जाती है 29,872, जो फिर मैंने यहाँ लगा दिया। तो ऐसे ही करते करते बढ़ते 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 आप हर साल 5% बढ़ाते रहिए और आप देखेंगे कि फिर फाइनली आपका होम लोन, यहाँ इस केस में हमने बिल्कुल ये कंसिडर नहीं करा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है या फिर हमने कोई प्री पेमेंट करा है बीच में, सिर्फ हम अपनी ईएमआई बढ़ाते गए 5% से हर साल, और हमारा होम लोन जो कि 180 महीने का था सिर्फ 123 महीने का रह गया, यानी कि हमने फिर से काफ़ी सेव कर लिया अपने होम लोन पर। बाकी आगे की कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, मैंने आपको स्टाइल बता दिया है कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो टेक अवे यहाँ से है, होम लोन जल्दी पे हो जाना एक बहुत बड़ा सुकून आपको देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। और फायर इन इंडिया को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी अपने फिनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट प्लान को बूस्ट करने में। इसी के साथ अलविदा कहूँगा दोस्तों, लेकिन फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।